गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। कितने बच्चों ने बिल्लियां देखी हैं? सर हम सब। सबने? हाँ। बिल्ली कौन से कलर की होती है? बिल्ली वाइट, ब्राउन, ब्लैक। ठीक है, अब देखो गायत्री की कुछ बिल्लियां एक डिब्बे के अंदर खेल रही थी। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पैर थे, डिब्बे में कितनी बिल्लियां थी? अब ये बताओ मुझे कि एक बिल्ली की कितनी टांगे हैं? चार। तो 28 अगर उसमें पैर हैं तो कितनी बिल्लियां होंगी उसमें? सात। कैसे पता चला? हमने अंदाजा लगाया। अंदाजा लगाया, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर है कितना? सात। आठ पैर मतलब दो बिल्लियां, ठीक है। अब दो बिल्लियां रही होंगी तो दो चको आठ। अब 12 पैर हैं तो कितनी बिल्लियां? चार के पाड़े। हाँ वेरी गुड, चार के पाड़े में बारह, तीन। अब देखो कितनी बिल्लियां? एक बिल्ली थी तो चार पैर, दो बिल्ली थी तो आठ पैर। अब देखो तीन चार पाँच छ सात और आठ। चार बिल्लियों के कितने पैर? सोलह। पाँच के बीस। छह के चौबीस। सात के अट्ठाईस। 28। एट के बत्तीस। वेरी गुड। इस तरह 28 पैर मतलब कितनी बिल्लियां? सात। वेरी गुड, कितने? सात। बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा है, उसने 28 पैर गिने हैं, डिब्बे में कितने चूजे हैं? अब देखो, अब चूजे हैं, चूजे के कितने पैर हैं? दो। तो 28 पैर गिने हैं, मतलब इसके मतलब कितने चूजे हैं वहाँ? 28। कितने दुन्ने 28? 14। कितने? 14। 14। तो कितने चूजे हैं वहाँ? 14। लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है, वह कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है? एक हफ्ते, इसमें कितने दिन है? सात। तो कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई हो? तीन। क्योंकि 7 × 3 = कितना होता है? 21। सॉरी, कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई वो? तीन। ठीक है, समझ आ गया? हाँ।